आज विजेश कॉलोनी में लगातार सुबह से ही बूथों पे फर्जी वोटिंग चल रही थी। मैं सुबह भी आके गया, तब मैंने प्रशासन को सावचेत किया कि विदेश में फर्जी वोट चल रहे हैं, आपको इसको रोकना चाहिए। शाम को मेरे को पता चला, मैं करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर था, पता चला कि 150 लोग तो एक गार्डन में और 70-80 लोग एक घर में लगातार फर्जी वोटिंग करते ही जा रहे हैं और मेरे लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा बूथ पे तो काफ़ी पुलिस विभाग थी और प्रशासन था, तो मैंने प्रशासन के अडिशनल एसपी ने मेरे को कहा कि साहब हमारी गारंटी है आप यहाँ से जा सकते हो। मेरे बेटे ने मेरे को ये भी बताया कि सुबह से ही हनुमान सिंह खांगटा ने मेरे को आके धमका के गया है कि रात होने दे फिर जिंदा चला जाए तो हमको बताना। तब मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, इस काम होते रहते हैं, ये पॉलिटिकल मैटर है, अपन को कुछ नहीं करना। मैंने शाम होते होते मेरे को अडिशनल एसपी ने कहा कि आप चले जाओ। मैंने कलेक्टर साहब से दो बार कहा, यहाँ से निकलने से पहले और कलेक्टर साहब को कहा कि कलेक्टर साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी, ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, आप प्लीज उनको हटा दो। उन्होंने नहीं हटाया और जान करके वो लड़के लट लेके आए और जैसे ही आए तो पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में वापस छोड़ा। छोड़ने के बाद उन्होंने वापस आकर के जान लेवा हमला किया है, ये तो बीच में पड़ के लोगों ने छोड़ा दिया, बाकी जान ले लेते। मैं प्रशासन को खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि आप तुरंत दोषियों को अरेस्ट कर लो और मैं जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे मैं उसी धरना स्थल पर आमरण अनशन पे हूँ, मैं अनगन नहीं करूँगा। करण सिंह जी जिंदाबाद, करण सिंह जी जिंदाबाद, हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिकायत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिकायत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुबह से ही यहाँ फर्जी वोटिंग का मामला चल रहा था।